हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी जीके। फ्रेंड्स, देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो आपकी ओल्ड पेपर की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइंस का पार्ट टू, जिसमें आपके साइंस के जो 15 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस के, वो हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके अभी तक आए हुए हैं, कैसा आपका लेवल है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, तो आप देखिए कि इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैंग्वेज भाषा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के डेली वीडियो के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का ये 1 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम आपके साइंस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जीएस सेक्शन के फ्रेंड्स, अभी तक हमने 10 पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, उनको जाकर जरूर देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो देखिए, अब हम ओल्ड पेपर के साइंस सेक्शन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं साइंस एवं अर्थमेटिक, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके कुछ इंक्लूड आते हैं। तो देखिए साइंस का आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह आया हुआ है वो आप यहाँ पर देखें कि पौष्टिक व्रण खालिस्तान के कारण होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चन ही आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है, टेटनेस है, प्रोटोजोआन है, विषाणु है और एक और है आपका हेलिकोप्टर्स पाइलोरी। तो राइट आंसर आपका फ्रेंड्स यही है। देखिए ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं इस तरह के। अगर आप लैंग्वेज भी देखेंगे इन क्वेश्चन की कि पौष्टिक व्रण क्या होते हैं, तो ये आपको एक प्रकार से ये आपको इस तरह ओल्ड पेपर में ही पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेवल क्या है। तो इसलिए ओल्ड पेपर लगाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। अब देखिए बीच बीच में आपको यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंस के यहाँ 15 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, तो हम आपको वही बताने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिग्नाइट विटामिन एंथ्रेसाइट निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये किसकी कोटियां हैं आपको भी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये किसकी कोटियां हैं चलिए बताइए कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर है कोल, कोयले की ही लिग्नाइट विटामिन और एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला आता है। तो ये तो देखिए इजी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका लेवल क्या होने वाला है पेपर का। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत सेविंग के लिए प्रयोग किए जाने लाए जाने वाले वरीय दर्पण क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में काफी रिपीटेड होते हैं और ये ऑलरेडी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा आपको ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स वो है आपका आउटर दर्पण, जो कि है कॉन्क्लेव मिरर, जिसके द्वारा आपको हजामत सेविंग के लिए आपके लिए यूज होता है स्पेशली। इसमें क्या होता है, आपको जो छोटी चीज है वो बड़ी दिखाई देती है, इसी तरह की चीजें। इसी तरह अगर बात करें तो आपको गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगा होता है कार में या उसमें, तो चलिए कमेंट करके बताइए वहां पर इनमें से कौन से मिरर का यूज किया जाता है गाड़ियों में साइड में, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनते हैं और इसमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता ही है। तो आइए अब हम चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में निम्न होता है। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी ज्यादा रिपीटेड है, रेलवे हुआ, SSC हुआ आपका या फिर व्यापम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और कई बुकों में आपको, बस ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ऑप्शन में लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आपको देखिए याद रखना है कि जो फ्यूज तार है वो प्रयुक्त बनाने में क्या होता है, तो वो होता है लो मीटिंग पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो सबसे निम्न गलनांक होता है उस पर ये टूट जाता है, तो वो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा इस तरह के क्वेश्चन, तो फिर आप समझ लीजिए आपकी तैयारी जीरो है। इसलिए ओल्ड पेपर जरूर लगाइए, उससे आपका लेवल पता चलेगा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंकुर की रोपाई खालिस्तान के लिए की जाती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे कि लैंग्वेज किस तरह से है, लैंग्वेज के कारण आप काफी ज्यादा क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। देखिए अंकुर की रोपाई अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है चावल। चावल के लिए आपने देखा होगा कि उसके लिए आपकी रोपाई की जाती है, जो रोपण किया जाता है वो किया जाता है चावल के लिए, ना कि गेहूं मक्का और ज्वार के लिए, ये चीजें नहीं की जाती, इसलिए राइट आंसर आपका चावल। आइए देखते हैं इसी तरह, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बीजदार पौधे खालिस्तान में रखे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी से कंटिन्यू क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बहुत बेसिक से आ रहे हैं,
बट आपको ऑप्शन इतने नीरस्ट है तो आपको ध्यान से लगाना है। तो फ्रेंड्स आपका जो बीजदार पौधे खालिस्तान में रखे जाते हैं तो वो रखे जाते हैं पुष्पोजन विधि, ये इसका राइट आंसर है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। अगर बात करें जो कि आपके ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ओल्ड पेपरों से ही पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ ओल्ड पेपर लगाना है आपको, जो कि इसका राइट आंसर है, ये आपने देख लिया। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है खालिस्तान कहलाती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केमिकल प्रोसेस रिलीज्ड जो एनर्जी जिससे निकलती है रिलीज एनर्जी उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स उपाचय, उसे कहा जाता है आपने पढ़ा होगा एक उपचय अपचय, तो इसे कहा जाता है उपाचय प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं ऊर्जा अवमुक्त करती हैं, मतलब आपको रिलीज द एनर्जी, तो ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों में एक साथ जोड़ता है, दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है, क्या जोड़ता है आपको ऑप्शन देखिए, तो अस्थियों को एक साथ आपका जो बोर्ड जोड़ता है वो होता है लिगामेंट। आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, लिगामेंट जिसे आपको कहा जाता है अस्थि रज्जु हिंदी में, अगर आप हिंदी की वर्डिंग में जाएंगे इस तरह के क्वेश्चनों में तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको, इसलिए आपको मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ कि लिगामेंट टेंडन इन सब में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है लिगामेंट जो अस्थियों को जोड़ता है। और अगर हड्डी की बात करें तो वो होता है टेंडन जिसको आपको बोला जाता है कडरा, हिंदी में कडरा बोला जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अस्थि मज्जा। तो आप देख सकते हैं कि किस पोर्शन से आपके बायो के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, किस पोर्शन से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन या फिर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लास्ट अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा बायो का तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ था। बायो के साथ साथ देखिए फ्रेंड्स हम आपके जीएस सेक्शन के लिए भी एक ऑलरेडी सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी तक 10 पार्ट हमने ओल्ड पेपर के अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आपको वहां से वो भी पूरे मिल जाएंगे, और अदर मध्य प्रदेश के वीडियो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वगैरह भी आपको सीरीज में मिल जाएंगे, आपकी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए। तो अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है तो वो होता है फ्रेंड्स आपकी कोशिका और लवण, सेल एवन प्लास्टर्ड ये आपका उपलब्ध नहीं होता है, ये संयोजी पशु कोशिकाओं में नहीं होता फ्रेंड्स और ये आपके ह्यूमन में होता है, तो ये इस तरह के आपको याद रखना है। देखिए सारी चीजें सिमिलर होती हैं, उनमें भी आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य गल्धिका ये सारी चीजें होती हैं, पर कोशिका लवण सेल ये वहां पर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह देखिए मैथ्स के क्वेश्चन भी बीच में आपको मिलेंगे, जिस तरह पता होगा 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है लेवल, आप देख पा रहे हैं कि आप सोचे कि हम सारी बुकों से कवर कर लेंगे तो ऐसा नहीं, आपको ओल्ड पेपर काफी हेल्पफुल होने वाले हैं इसलिए आप जरूर ओल्ड पेपर लगाइए। अब देखिए बीच में मैथ्स के क्वेश्चन थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हम साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसमें जल्दी मैथ्स की सीरीज भी लाएंगे। मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है तो ये कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण है आपका फ्रेंड्स, अगर मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता दूं जिससे आपका ज्यादा टाइम ना हो जाए, तो देखिए इसका राइट आंसर है इट्स अ लो इरिगेशन टेम्परेचर, इसका प्रज्वलन ताप कम होता है, इसका जो आपका प्रज्वलन ताप है वो कम होता है, इसलिए आपका जो मिट्टी का तेल है वो कोयले से भी अधिक तेजी से जलता है, इसलिए आग वगैरह जलाने में मिट्टी के तेल का यूज किया जाता है, आप डायरेक्ट आग लगाइए सीधे आग पकड़ लेती है, तो इसी कारण क्योंकि इसका जो प्रज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है, थोड़े से उसमें भी आपका ये जलने लगता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी देख लीजिए, बेसिकली फिजिक्स से आएंगे, इनको कंफ्यूज नहीं होना है, ये काफी इजिली होते हैं। इसी की बात करें अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता तो वो क्या है फ्रेंड्स, देखिए मृत जीवों को भी जीव खा लेते हैं, सब्जियों को भी खा लेते हैं, खाली कांच की बोतलें और छह नाशक पौधे, तो इसका राइट आंसर है खाली कांच की बोतलें, जो आपकी जो इम्यूनिटी ग्लास बॉटल्स हैं इन्हें किसी भी प्रकार के कीटनाशु नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ओल्ड पेपर लगाइए, ओल्ड पेपर काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपका, फिर मध्य प्रदेश पुलिस हो, आपका मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल हो, मध्य प्रदेश SI या अदर एग्जाम हो, क्योंकि व्यापम जनरली क्वेश्चनों को रिपीट करता है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन भी आपको केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं, जहां पर NaCl का 10
मिलियन, एससीएल के लिए दिए गए 7 मिली मिलियन को उदासीन बना देता है, तो एनएससीएल के उसी मिलियन में 20 मिली को उदासीन बनाने के लिए एससीएल मिलियन के खालिस्तान मिली की आवश्यकता होती है। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपके रिएक्शन वाइज आपको याद होना चाहिए, जो कि इसका आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 14। यहाँ पर 14 मिली की आवश्यकता आपको होगी फ्रेंड्स बैलेंस करने के लिए, तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनने ही वाले हैं और एक दो क्वेश्चन आपके रहेंगे, सारे नहीं रहेंगे पर आपसे एक से दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवाई जहाज का आकार धारा रेखी होता है ताकि वे खालिस्तान पर काबू पा सके। देखिए धारा रेखी होता है तो देखिए जिस तरह आपने हवाई जहाज देखा होगा तो उसका जो आकार है वो धारा रेखी कहलाता है, तो उससे क्यों ऐसा बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, उसमें कौन सा एक प्रकार का फोर्स बल लगता है, तो यहाँ पर लगता है फ्रेंड्स आपके वायु का घर्षण बल, आपका फ्रैक्शन फोर्स ऑफ एयर जो कि वायु के घर्षण बल के कारण उसे इस तरह बनाया जाता है जिस तरह वो वायु को काटते हुए आगे बढ़े, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर किसी प्रकार का स्टैटिक बल या फिर आपका रोलिंग रूल्स नहीं लगता। इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव खालिस्तान किस वर्ष में दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी आपके एक प्रकार से डीपली है, आपसे ईयर पूछ लिया गया ना कि आपसे किसने किया खोज ये भी, तो देखिए हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आपको या नेक्स्ट उसमें आपको ये पूछा गया हो कि किसने किया, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज की और ये कब की थी क्योंकि इन्हें अवार्ड मिले थे, तो इस कारण इसलिए पूछा गया, तो ये किया था 1953 में फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी रेलवे वगैरह में रिपीटेड है, वहां भी इस तरह के ईयरली वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वेंट के। इसी तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पॉलिथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें, तो सही कथन है गैर जैव निम्नी है ये या फिर विघटनी होकर खराब गंध पैदा करते हैं या फिर हानिकारक नहीं या पर्यावरण में बहुत सरली निम्नीकरण हो जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके गैर जैव निम्नी मतलब आर नॉन बायो मतलब ये नहीं गलते हैं फ्रेंड, ये आपके जमे रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो यही कारण है जिस तरह आपका पॉलिथिन बंद करने के आपके वो काफी सारी योजनाएं और चीजें चलाई जा रही हैं। तो ये था फ्रेंड्स देखिए आज का सेशन, 30 क्वेश्चन का जो 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इसी तरह के वीडियो और अदर वीडियो जीएस के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो मैपिंग के साथ आपको सारे हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों को शेयर करें ताकि आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी अच्छे से कर सकें और फाइनली सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू, वंदे मातरम। साथ ही फ्रेंड्स देखिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान्स फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम, जहां पर आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स फ्री प्लान बाय अनअकैडमी जिसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक एंड लाइव डाउट क्लियरेंस, साथ ही वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें और साथ ही आपको फ्री लाइव क्विज जिसमें आपके 20,000 प्लस क्वेश्चन होंगे और डेली T20 फ्री लाइव क्विज, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम जब अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको यूज वहां पर एक इनवाइट कोड होगा जो कि अनलॉक फ्री प्लान के लिए, जहां पर आपको डालना है EGK10 फ्रेंड्स, ये आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये कोड फिल करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ट्रैक्स प्रीलिम्स 2020 आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए चूज करना होगा, आपको ईयर बैच यहाँ पर आपको सोटेबल आपके प्रिपरेशन के फॉर बेस्ट होंगे, 60 डेज की लाइव कोर्स चल रहा है यहाँ पर साथ ही जिसमें लाइव एमसीक्यू रिविजन बैचेस होंगे जो कि डेली 3 आवर्स आपके टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा यहाँ पर, साथ ही आपके रिकॉर्डेड बैचेस भी होंगे जो कि आपकी लाइव डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होगा आपका जो कि आपकी फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैचेस होंगे एमपीपीएससी के लिए जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 5th of January से, तो जाइए जरूर ज्वाइन कीजिए आपको जो कि आपके प्रीलिम्स कंपटीशन बाय मार्च, जो आपके मार्च में जो आपका नेक्स्ट आपका प्रीलिम्स होने वाला है अप्रैल में डेट ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये सारी चीजों के साथ साथ आपको 20+ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 20,000+ क्वेश्चन बैंक आपको डेली प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ रिवीजन नोट्स एवरी डे मिलने वाले हैं आपको, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी आपको यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियरेंस करने के जो रामवार कोर्सेज हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं आपको 4 जनवरी से, अभी ज्वाइन कीजिए, अनलिमिटेड 60 डेज कोर्स आपको जो कि रिविजन विद थ्योरी, साथ ही आपको 20+ मॉक टेस्ट होने वाले हैं जो कि अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स डेडिकेटेड लाइव क्लासेस एमसीक्यू रिविजन के साथ ही प्रीलिम्स 2020 के लिए, यहाँ पर आप ये सारा शेड्यूल देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एमसी
क्यू वगैरह एमपीपीएससी प्रीलिम्स के मिलेंगे, और साथ ही आप बैचेस दे सकते हैं एमपीपीएससी की तैयारी के शुरू करने के लिए। आपको ये सारे जो कि टॉप एजुकेटर हैं मध्य प्रदेश के, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनके एक्सपीरियंस वाइज आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पर शिवम गुप्ता है, अभिषेक कुमार सिंह है, ये सभी आप देख सकते हैं। तो जाइए आपको साथ ही यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन प्लान भी इनको ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ मंथली, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड वेपन, लेट्स क्रैक इट।